डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मेरी ओपन क्लासरूम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात करने की कोशिश की। हमने हमेशा सिलेबस की बात की, इंग्लिश लैंग्वेज की बात की, पॉइंट्स पर हमारे दो वीडियोस आपने पीछे देखे। लेकिन आज एक अलग विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, आपसे संवाद करना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, जब भी मनुष्य का जन्म होता है, बड़ी विलक्षण क्षमताओं को लेकर के उसका जन्म होता है, और यही विलक्षण क्षमताएं मनुष्य को समस्त संसार के जीवों से अलग करता है। अब जब इतनी क्षमताएं हमें दी हैं, इतने हम भिन्न प्राणी बनकर के इस संसार में आए हैं, तो निश्चित रूप से हमारे कुछ उत्तरदायित्व तो होंगे, हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं समाज के प्रति, हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं अपने प्रति, हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं अपने माता पिता के प्रति। इन्हीं जिम्मेवारियों पर मैं एक विस्तार से आपसे बात करना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, जो हमारी पहली जिम्मेवारी है, जो मैं समझता हूँ सर्वप्रथम जिम्मेवारी, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सेल्फ, यानी अपने प्रति हमारा उत्तरदायित्व। अपने प्रति उत्तरदायित्व क्या हो सकता है? अपना मतलब अपने इस शरीर के प्रति। और शरीर क्या है? शरीर जो ये काया आपको बाहर से दिख रही है, केवल ये नहीं है बच्चे, ये तो है ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त तो और भी है। हमें इसको संपूर्णता में देखना पड़ेगा, इसकी जितनी भी फैकल्टीज हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। अगर हम बाहरी शरीर की बात करते हैं, ये केवल एक चीज से बनता है, वो है अन्न। बोलते हैं जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा तन होगा, और इसलिए हमें क्या खाना क्या नहीं खाना ये डिसाइड करना पड़ेगा। और दूसरा, हमारा जो शरीर है इसके लिए आवश्यकता है इसको सुडौल बनाने की, इसको स्वस्थ रखने की, और उसके लिए सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना, खेलना कूदना, प्राणायाम करना, ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी। ये हमारे जीवन शैली में आनी चाहिए। अगर हम ये सब काम कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी पहली जिम्मेदारी को पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हम इसको खुद नहीं कर रहे हैं, हम अपने शरीर की जिम्मेदारी भी हमने अपने माता पिता पर छोड़ी है। आपको स्कूल में आकर के, हम जब स्कूल में देखते हैं, पूछना पड़ता है, आज नाखून काटे, आपने क्या खाया, आप नहाए या नहीं, ये सब चीजें पूछनी पड़ती है आपको। आपके बाल ठीक है, आपके शर्ट ठीक है, आपकी पैंट ठीक है, कपड़े धुले, और यही काम आपको घर में माता पिता को करना पड़ेगा। अरे वो शिक्षा ही क्या जो आपको अपनी पहली जिम्मेदारी का बोध ना करवाए? इसलिए पहली जिम्मेदारी के प्रति आप पूरी तरह से सचेत हो जाए। ये आपका भी तो शरीर अगर आपका है तो संभालना भी आपकी जिम्मेदारी है। और जिसने भी अपनी जिम्मेदारी को, इस पहली जिम्मेदारी को पूर्ण किया, वो निश्चित रूप से महान व्यक्ति बना। अपना काम खुद करो, स्वयं अपना काम कीजिए, किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। भिखारी बनकर के जीना ये कहां उचित लगता है? डियर स्टूडेंट्स, आपको आभास होता हो रहा होगा अपनी पहली जिम्मेदारी का, और जिसने भी अपनी पहली जिम्मेदारी समझी वो जीवन में सफल भी हुआ। हम शिक्षा लेते हैं, अपनी बुद्धि को बढ़ाते हैं, अपने विवेक को बढ़ाते हैं, अपनी भावनाओं पर हम का विकास करते हैं। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी चीजें अपने जीवन में धारण कीजिए। एक लक्ष्मण रेखा भी है हमारे जीवन की, आप यहाँ देख रहे हैं, ये चीजें ना हो जीवन में। नशे से दूर रहना है, ये शरीर के लिए कहीं भी ठीक नहीं है, किसी ने भी इसको ठीक नहीं माना है। अपने ऊपर क्रोध, वैमनस्य, द्वेष, ऐसी भावनाएं ना पनपने दे, ये झगड़े का कारण है, ये द्वंद का कारण है। और अब इन सब चीजों को अगर हम करते हैं ईमानदारी से, तो निश्चित रूप से हम अपनी पहली जिम्मेदारी को, पहले दायित्व को अच्छी तरह से निभा रहे हैं। इसी तरह से बच्चा, हमारी जो दूसरी जिम्मेदारी है वो है अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के प्रति। माँ को देखिए जो आपको 9 महीने अपने कोख में रखती है, और कितने कष्ट सह करके हमारा जन्म
होता है, लेकिन हम उनके लिए क्या दे रहे हैं? हम उनके लिए बोझ बने हुए हैं। होमवर्क भी अगर करना है तो माँ को याद दिलानी पड़ती है, स्कूल अगर जाना है तो माँ को तैयार करना पड़ता है, खाना है तो माँ, यानी हर काम हमारे लिए माँ ही कर रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने गुरुजनों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि हम उन पर बोझ ना बने। अलबत्ता अगर माँ खेत में काम कर रही है, पिता खेत में काम कर रहे हैं, आप भी जाइए जाना, यही है वास्तविक शिक्षा, तो यही है। आपके माता पिता कहीं सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, कहीं निजी कंपनियों में काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं किसी भी व्यवसाय, बिजनेसमैन है आप, कहीं भी है, उनके छोटे मोटे काम में अपना हाथ बटाइए, उन पर बोझ न बने। वो जो कुछ भी आपको कर रहे हैं, पूरा जीवन अपना लगा देते हैं वो आपको, रोटी कपड़ा मकान, इसी में पूरा जीवन उनका खत्म हो जाता है। और ऊपर से आपकी पढ़ाई का बोझ, पढ़ाई के लिए धन जुटाना ही नहीं, अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, आपको होमवर्क करवाना है, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। आपकी जिम्मेवारियों का एहसास करवाना है, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है, जबकि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? हम 12-12 साल, 15-15 साल यूनिवर्सिटीज की लाइफ, पूरी कॉलेज लाइफ, ये सब चीजें हम करते करते अपनी जिम्मेवारियों का बोध नहीं कर पाए, क्या फायदा उनका? अरे जिसने अपनी ये जिम्मेवारियां नहीं समझी, उसके पास जितनी भी डिग्रियां है वो तो कागज के टुकड़े के समान है बेटा। जो हम पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब में सर्च करते हैं, हम आपको लेसन्स देते हैं, बहुत सारे आपके यूट्यूब में गुरु भी होंगे, वो तो हमें, वो तो केवल कंटेंट आपको दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो काम, जो जीने के काम आएगा, वो आपको स्वयं करना है, वो है आपकी जिम्मेवारियां। और इसी तरह से एक और हमारी जिम्मेवारी, बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, वो है समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व। एक सुखी समाज जब होगा तो हम भी सुखी होंगे, तो इसलिए हमारा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम समाज को ठीक करने के लिए, समाज को दुरुस्त करने के लिए अपना छोटा मोटा योगदान दें। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, कई लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करवाना, कहीं किसी की हेल्प करने चले जाना, कोई अभाव में है, कोई गरीबी में है, कोई किसी भी तरह की किसी को जरूरत है, तो आप पहले खड़े होने चाहिए, ये हमारी शिक्षा बताती है। अगर हम ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा समाज बनेगा, क्योंकि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। जिन भी चीजों को आप देख रहे हैं, आपकी पेन कॉपियां, आपके वस्त्र, आपकी जो चीजें भी आप देखते हैं, जिनका आप उपभोग कर रहे हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो केवल और केवल समाज के एक एक वर्ग के लोगों ने आपको प्रदान की है। क्या हमारा छोटा सा दायित्व तो नहीं बनता कि हम भी समाज के छोटे मोटे काम करें? हमारे स्कूल्स बहुत कुछ कर रहे हैं इस संदर्भ में, कोई एनसीसी एनएसएस की यूनिट बनी है, स्कॉट एंड गाइड बने, बहुत सारी ऐसी यूनिट बन रही है, क्यों चंद विद्यार्थी ही क्यों, सब क्यों नहीं, सब क्यों नहीं, मेरा तो प्रश्न ये है। तो बेटा आपको किसी यूनिट में जाने की जरूरत तो नहीं है, सामाजिक कार्य करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कीजिए और देखिए कितना आनंद मिलता है। किसी डिग्री लेने से, किसी बड़ी कोई ट्रॉफी लेने से अधिक आनंद तो तब मिलता है जब हम समाज के काम आ जाते हैं। ये हमारी तीसरी जिम्मेवारी है, ये सीखनी पड़ेगी, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, यू हैव टू डू। हमारी अंतिम जिम्मेवारी जो मैं समझता हूं चौथी, वो है हमारे देश के प्रति। हमारा देश है तो हम हैं, देश नहीं लेकिन देश के प्रति हमारा उत्तरदायित्व, तो इसको हम कैसे निभाएं, ये भी एक प्रश्न है। आपको सरहदों में नहीं जाना है AK-47 लेकर के कि हमें दुश्मनों से अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है, केवल वो ही देश सेवा नहीं है, वही हमारी उत्तरदायित्व तो नहीं है, कुछ नहीं करना है बेटा। जो हम तीन उत्तरदायित्व हमने पीछे समझने की कोशिश की, इन पर खड़े उतर जाइए, देश सुंदर बनेगा। आप सुंदर तो देश सुंदर, आप सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। देश के लिए कोई बड़ा काम आपको नहीं करना है, आपको अपना धर्म निभाना है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी धर्म निभाइए कि एक अच्छा विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, उसके क्या गुण होने चाहिए, उसके क्या लक्षण है, वो आपने दिखने चाहिए,
आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं सर्टिफिकेट लेकर के मैंने पीएचडी कर दी, लेकिन आपकी जो ऑरा है उससे ही पता लगना चाहिए। लोग आपको पूछे कि व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ, अगर आपने ये सब कुछ किया तो निश्चित रूप से एक सुंदर समाज, एक सुंदर देश, एक सुंदर विश्व की कल्पना हम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में आपके माता पिता से भी बात की जाएगी, और तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।